नूरपुर ब्लड डोनर क्लब द्वारा शहीदों की याद में आयोजित रक्तदान शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों रक्तदानियों ने रक्तदान कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस रक्तदान शिविर में न केवल पुरुष रक्तदानियों ने बल्कि महिला रक्तदानियों ने भी रक्तदान कर अपनी सहभागिता निभाई। नूरपुर ब्लड डोनर क्लब द्वारा पुलवामा शहीदों और उनके परिवारों को समर्पित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में सिविल अस्पताल पठानकोट और मेडिकल कॉलेज टांडा की टीमें पहुंची थी। एसडीएम नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं डीएसपी नूरपुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। क्लब के अध्यक्ष राजीव पठानिया ने कहा कि रक्तदान को लेकर अब लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि नूरपुर से जली रक्तदान की ये शम्मा एक दिन पूरे प्रदेश को रोशन करेगी, जिसमें सभी लोग रक्तदान के लिए स्वयं आगे आएंगे। हर साल की भांति इस बार भी नूरपुर ब्लड डोनर क्लब द्वारा शहीदी दिवस पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है। इस बार का जो ब्लड डोनेशन कैंप था वो पुलवामा शहीदों और उनके परिवारों को समर्पित था। अभी तक कैंप चल रहा है, 400 से ज़्यादा यूनिट जो कलेक्ट हो चुके हैं और लगता है ये यूनिट जो है 450 तक जाएंगे। इस बार युवाओं में बहुत जोश था और आने वाले दिनों में जिस प्रकार लोगों में ब्लड डोनेशन के प्रति जागृति बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं है जब ये नूरपुर से जली हुई शम्मा जो है पूरे हिमाचल को रोशन करेगी। मेरा विश्वास है कि अगले साल हम इससे भी बहुत बड़ा कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। गौरतलब है कि नूरपुर ब्लड डोनर क्लब प्रदेश में सबसे बड़े रक्तदान शिविर लगाने का खिताब भी हासिल कर चुका है। इस क्लब के सैकड़ों सदस्य जरूरत पड़ने पर कहीं भी आपात स्थिति में विभिन्न अस्पतालों में स्वयं पहुंचकर जरूरतमंदों को खून उपलब्ध करवाते हैं। इस क्लब को न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई खिताबों से नवाजा जा चुका है। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट।